दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 के विनर और जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई स्थित कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुंबई स्थित कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्टर को दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल का कहना है कि उन्हें जब इलाज के लिए लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिनकी ये खबर सुनने के बाद जनता से लेकर बड़े बड़े सेलेब्स इनके जाने पर अपना शोक जताते हुए दिख रहे हैं। जहां ऐसे में अब टीवी की एक फेमस एक्टर का बड़ा खुलासा सामने आया है, जो एक समय में थी सिद्धार्थ शुक्ला की प्रेमिका और उनकी वही प्रेमिका बन गई थी इनकी जान की दुश्मन। और वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि भाभी जी घर पर है से फेमस हो चुकी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दे, एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक समय में रिलेशनशिप में थी। जहाँ कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इनके बीच काफी ज्यादा झगड़े होने शुरू हो गए थे। शिल्पा शिंदे का मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला उनको लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव हो चुके थे। हर छोटी छोटी बातों पर उनसे पूछताछ किया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच करवाहट बढ़ गई। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि शिल्पा शिंदे ने तंग आकर सिद्धार्थ शुक्ला पर असोल्ट का भी इल्जाम लगाया और बताया कि मैंने मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल की थी। हालांकि शिल्पा शिंदे ने ये बात तब नहीं कही थी जब ये सब कुछ हुआ था। यानी उन्होंने ये बात तब बोला था जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर विनर के रूप में सुर्खियां बटोर रहे थे। तब बाहर शिल्पा शिंदे ने कई इंटरव्यू देते हुए इन पर असोल्ट का इल्जाम लगाया था। और अब इनके जाने के बाद जहां सब सिद्धार्थ के निधन पर अपना शोक जताते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं शिल्पा शिंदे ने कुछ भी ट्वीट नहीं किया, जिसे सुनकर दर्शक बहुत आग बबूला हो रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिल्पा शिंदे ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सही किया या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और भी खबरों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।